अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू हम्प्टी डम्प्टी व्लॉग। दोस्तों कैसे हैं आप? तो आज के व्लॉग में हम आपको हाशिम भाई से मिलाते हैं। तो हाशिम भाई हमसे मिलने के लिए आज दोबारा आए। हाशिम भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया आपका जी, आपने टाइम दिया और मैं यहाँ पे दरअसल आया था। इनके पास कुछ हाई फ्लायर कबूतर थे तो मैंने कहा चले मैं खुद भी देखता हूँ, आपको भी शो करवाता हूँ और उनको कोई पास फेल करते हैं, देखते हैं कैसे इन्होंने रखे हुए हैं। बच्चों के लिए रखे हुए हैं मेरे ख्याल से। तो बाकी अभी देखते हैं, बच्चों ने बड़ा कुछ रखा हुआ है, बड़ी मज़े की चीज़ें हैं। मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा है यहाँ पर और बड़ा इन्जॉय कर रहा हूँ। मतलब कि एक जो है ना मिनी जू टाइप है बड़ा। मुझे जो अपना बचपन है, मैंने भी बचपन में बड़ा कुछ रखा हुआ था। तो इनके इनके साथ इनके भाई के साथ मेरा बड़ा अच्छा रिलेशन, उनके साथ मिलकर बल्कि रखा हुआ था सब कुछ। तो आज बड़े अच्छे के भाई यहाँ पे बारह चक्कर लगा। तो अभी कबूतर देखता हूँ मैं, कबूतर आपको दिखाता हूँ यहाँ से। सबसे पहले मैं आपको ना एक नीला कबूतर दिखाता हूँ। तो नीला कबूतर आए, देखते हैं जरा निकाल। ये ले जी, ये कबूतर आ गए। तो ये कबूतर है जनाब, इनका शौक करवाना यहाँ से। ज़रा मैं आपको कराता हूँ, इधर रखो इधर, ज़रा मैं आपको ज़रा शौक करवाता हूँ ज़रा कबूतरों का। तो मज़ेदार ये, बाकी ये देखें, ये मज़े से इंजॉय कर रही हैं डक्स। क्या बात है। बाकी आपको कबूतर दिखाता हूँ, यहाँ पे आ गए। ये ज़रा ये पकड़ लो यार ज़रा। कबूतर का शौक करवाता हूँ एक, इधर मेरे साथ आ जाओ, इधर बैठ जाओ। ये कबूतर बड़ा मुझे मज़ेदार लगा, अच्छा लगा। इधर ये नीला कबूतर है बड़ा वाला, इधर आ जाओ, इधर साथ में वीडियो में भी दिखाता हूँ। आप आ जाओ, आप कैमरे के साथ ही आ जाओ ना, इधर बैठो। इधर से पूरा फ्रेम में आएगा कबूतर। ये कबूतर की आँख है जनाब, ये देखें लाल आंखों का कमगर कबूतर इसको कहते हैं। थोड़े से क्रीज वगैरह लगा हुआ, तो आजकल ज़रा हालात थोड़े से बेचारे के टाइट हैं। जब इसके प्रेशर आ जाएंगे ना, बड़ा एक ज़बरदस्त बैलेंस के अंदर कबूतर है। जिस्म का बड़ा अच्छा, हड्डी बड़ी अच्छी है, जोड़ का भी पूरा है और मतलब के बड़े अच्छे जो है ना ये पंजे शंजे भी इसके बड़े हाल हैं। इनके पास में हाई फ्लायर कबूतर था, ये मुझे बड़ा पसंद आया। ये एक नंबर कबूतर है जिसको कहते हैं। इसके लिए कोई मादी मैं अरेंज करके दूंगा आपको, जेन्युइन वाली जिसको मादी कहते हैं। रिक्शा लगाइएगा, इंशाल्लाह अच्छी चीज़ बनेगी। बहुत बहुत शुक्रिया हाशिम भैया आपका। बाकी भी कबूतर दिखाता हूँ, बाकी पकड़ो ना, बाकी दूसरा लाए यार। अब यहाँ से उड़ जाएंगे जिस तरह दरवाजा खोल दी। ये आप पकड़े हैं यार, ना आप पकड़े हैं यार। चलो भाई बंद कर। ये एक दुबाद है, ये भी बड़ी माशरे से मज़ेदार चीज़ है। छोटी सी चूंच के अंदर है, वाइट आंखों के अंदर है, क्या बात है। ये मैं हाँ शाहजहाँपुरी कबूतर होते थे पहले, ये उस वो चीज़ जो है ना। बाकी ये वायर के दुबाद टाइप है। उड़ेगा कि नहीं ये तो नहीं पता, उड़ने वाला नहीं, पर खूबसूरत बहुत है। उड़ने वाला कबूतर जो है ना थोड़े से वो जो मैं पहले दिखाया उस तरह के होते हैं। ये चक्कर है, बड़ा खूबसूरत। छोड़ूंगा तो उड़ जाएगा, इसको भी छोड़ दो अंदर। मैंने छोड़ा तो यहाँ से निकल ही जाएगा। वो नीली का दिखा, नीली नीली में आती तीन दिन बाद जो आई थी वो वाली। ये क्या बात है, तीन दिन में वापस आई है। वही अभी जाने लगे थे ये हाशिम भाई, तीन दिन बाद वापस आई है। क्या बात है, बड़ी बात है। इधर इधर आ गई अपने नीचे, इर्द गिर्द तो भाई जाल ही बड़े। बस वो रात रही होगी ना, इसके नसीब अच्छे हैं, किसी को पकड़े नहीं। मतलब कि आपको उड़ती रही है, ठीक हो गया। ये माती है कबूतर, इनमें से जो जिसको कहते हैं ना ब्रीडर कबूतर जैनवन वाला, वो एक ही है जो मैंने आपको पहले नीला दिखा दिया। बाकी सारे टाइम पास हैं, बाकी ठीक है, बच्चों का दिल लगा हुआ है। मैंने तो अपने हिसाब से वो देखना होता है कबूतर, अपने हिसाब से बात करनी होती है, क्योंकि इनका तो कबूतरों को उस तरह से शौक नहीं है ना जो जिस लेवल पर मैं कर रहा हूँ, या वो चक्कर है। ठीक है, बाकी इनके पास बड़े माशाल्लाह बड़े प्यारे परिंदे हैं, वो आपको ये दिखाते रहेंगे, आप देखिएगा मज़ा आएगा आपको। इसको भी छोड़ दो, छोड़ दो, कौन छोड़ेगा, क्या बात है। हाशिम भाई ये वाइट कबूतरी के बारे में बताएं, ये कैसे? ये वाइट भी ठीक है, इनमें से जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद आया ना वो एक नीला कमगर कबूतर ही है। आपको ये पसंद है? बड़ा पसंद है, वो बहुत अच्छा कबूतर है। क्योंकि मैंने हाई फ्लायर कबूतर उड़ाने के हिसाब से मैंने उस जो है ना उस तरह देखना होता कबूतर को, तो बहुत अच्छी ब्लड लाइन का कबूतर है। बाकी ठीक है, कबूतर तो सारी ठीक है, बाकी उड़ने के लिहाज में वो बेस्ट है। बाकी वो उड़ने के लिहाज में नहीं है, जिस तरह की चीज़ हमें चाहिए होती है।
हरा लेके आए हैं। ये अभी पार्शर आ रहे हैं, बड़ा भारी हुआ हुआ कबूतर, तंबल तंबल हो गया जिसमें है। क्या बात है, पता तो आपको सारा। ये लो ठीक है, आजाद कर दो, चढ़ दो, आजाद कर, आजाद कर दें, आजाद कर दें। ये भी दिखाओ, ये देते हैं इसके पर्शर भी जो है ना। ये उड़ेगा, ये अच्छा उड़ेगा, पर खोल के ये बहुत आला। ये कलर कितना यूनिक, बड़ा यूनिक कलर के अंदर। जोर से ऐसे करके उड़ाओ, जोर से उड़ाओ। हां अभी चला गया फिर आप ने कहा ना भाई आया था कबूतर हमारे साथ करके चले गए। ये आराम से छोड़ते हैं, ये उड़ेगा कबूतर। ये उस दुबास का बच्चा है, बस वो दुबास भी जो है ना ऐसा ही है, तो ये आगे से ये भी वैसा ही है। ये देखो ना उड़ने वाले कबूतर के फर कभी इस तरह के तो नहीं होंगे। ठीक है, इन्होंने रखे में इन्होंने वो तो दोस्तों अब हम न्यू सेटअप में आ चुके हैं। ये देखें हाशिम भाई का फैंसी कबूतर, और ये जो कल अर्थ कुजीन से गिफ्ट आए हैं, और ये देखें लबड़। आज तो बड़े सुकून से बैठे हैं दोस्तों। दोस्तों हमारा ब्लैक मास 90% तक ठीक हो गया है, और ये देखें माशाल्लाह से काफ़ी हद तक रिकवर हो गया है। अब थोड़ा सा रह गया ठीक होने में, फिर हम इसको दोबारा इन बदमाशों के गैंग में छोड़ देंगे। ये देखें साथ का एक और पेयर ले आए, ये तो आराम से बैठी रहती है इधर, कोई शोर शराबा नहीं इनका। और ये हमारी पत्थरों के बच्चे देखें, ये इधर उधर घूमते रहते हैं। अरे दोस्तों हमें इस बच्चे की समझ नहीं आ रही कि ये क्यों बैठ रहा है। मैंने इसको ज़रा हिला के देखा तो दोस्तों इससे अब चला नहीं जा रहा, इसको लगता है चोट लगी है या ये गिरा है या क्या हुआ है, अल्लाह बेहतर जाने कि इसको हुआ क्या है। तो दोस्तों ये देखें से बिल्कुल भी चला नहीं जा रहा, जिस कारण उसकी पत्ने जो हैं वो इधर उधर भाग रही हैं, उसके बच्चे जो हैं वो काफ़ी तेज हैं। तो ये यहाँ लगता है कि इब्राहिम या इस्माइल में से फेंका है, तो इसकी वजह से ये बेचारा डैमेज हो गया टांगों से। तो दोस्तों इसको अब ठीक करने के लिए हम इसका ट्रीटमेंट करेंगे, इसको कोई क्रीम श्रीम लगाते हैं, कोई मेडिसिन वगैरह देते हैं कि ये ठीक हो जाए। बाकी देखें माशाल्लाह से ये मज़े कर रही हैं इधर उधर। और ये खरगोश देखें, दोस्तों ये देखें खरगोश, खरगोश और इनकी आपस में ये दोस्ती हो चुकी है। और दोस्तों यहाँ पे हमारा जो है कछुए का बच्चा, ये बड़े सुकून से बैठा हुआ है, इसका नाम हमने जोजो रखा हुआ है। तो दोस्तों ये जोजो जो है इसकी हमने फीड अभी डालनी थी, तो ये बच्चों ने कुछ दाना इसके अंदर डाला जो कि नहीं डालना चाहिए था। ये देखें ये टब को हमने टेढ़ा करके इसलिए रखा है कि अगर जब ये पानी से बेजार हो जाए तो ये ऊपर खुश्की की तरफ चला जाए। ये देखें दोबारा पानी में आ गया, और ये जब थक जाता है तो ये इसका ये यहाँ पे चला जाता है, यहाँ पे जाके बैठ जाता है। और ज़्यादातर ये पानी में रहना ये खुशी महसूस करते हैं, इसीलिए कि पानी में इनको तैरने के लिए ना बहुत अच्छा फील होता है। तो ये बार बार इधर पानी की तरफ आ जाते हैं, ये जैसे अब ये खुश्की की तरफ गया है। तो दोस्तों हम अब इसको थोड़ी सी इसकी फीड डाल देते हैं। तो दोस्तों ये जोजो को हम अब इसकी खुराक डालने वाले हैं। ये देखें ये पानी में मिक्स कर दिए ये दाने जो है ना, ये देखें। तो दोस्तों ये देखें हमने जोजो को इसकी खुराक डाल दी है,
ये देखें, ये यहाँ से जब थक कर ये स्विमिंग करके जब थक जाएगा बिल्कुल ही, तो ये यहाँ से 200 यहाँ पे चला जाएगा। ये थोड़ा सा ये ऊपर चढ़ाई में ना ये खुश्की आ जाती है, यहाँ पे आ जाएगा। फिर जब इसका दिल चाहेगा यहाँ से पानी में नहाने को, स्विमिंग की तरफ आने को, ये देखें पानी में आ गया अब। और इसकी खुराक भी हमने डाल दी है, तो ये देखें। दोस्तों आपने बताना है कि आपको आज का व्लॉग हाशिम भाई के साथ कैसा लगा। मिलते हैं एक न्यू व्लॉग के साथ, न्यू वीडियो के साथ, न्यू सरप्राइज़ के साथ। तो अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।